इंटीमेस प्लस 2 mg टेबलेट का रिव्यू करेंगे इस वीडियो में और जानेंगे ये कब काम में आती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, सावधानी इसकी क्या रखें। तो संपूर्ण रिव्यू करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर कुछ भी समझ में आए तो। दोस्तों, इंटीमेसी प्लस 2 mg टेबलेट में 2 सॉल्ट आते हैं। पहला है डेसोगेस्ट्रोल, यह आता है 0.15 mg में। साथ में एक और आता है एथिनिल एस्ट्राडियोल, यह आता है दोस्तों 0.02 mg में। देखिए, ये महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम में यूज किया जाता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। महिलाओं सिर्फ ले सकती है और कोई व्यक्ति यूज ना करे। दोस्तों, अगर आपको ये ना मिले, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी है, आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, वैसे तो एरिस्टो कंपनी की आती है, मिल जाती है, लेकिन नहीं मिले तो आप नोविलोन ले सकते हैं, MSD कंपनी की, और दोस्तों और भी पता कर लीजिएगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, ठीक है। इंटीमेस प्लस 3 mg में भी आती है, उसके अंदर होता है एथिनिल एस्ट्राडियोल 0.03 mg, इसके अंदर है 0.02 mg, इसलिए ये 2 नाम से जानी जाती है। देखिए, पहले इन दोनों सॉल्ट के कामों को जान लेते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो जो डेसोगेस्ट्रियोल है दोस्तों, ये बर्थ कंट्रोल पिल एज ए, मतलब बर्थ कंट्रोल करने के लिए दी जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी बचाती है, बच्चा नहीं लगने देती, ठीक है, फर्टिलाइज नहीं होने देती, स्पर्म को अंडे के साथ शील्ड बना देती है, कैसा ही सेक्स कीजिएगा बच्चा नहीं लगेगा, ठीक है, अनप्रोटेक्ट सेक्स वहाँ पर काम करता है। एथिनिल एस्ट्राडियोल भी इस तरह से काम करेगा, साथ ही साथ दोस्तों ये महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये बढ़ जाता है कई बार किसी प्रॉब्लम के कारण या किसी और प्रॉब्लम के कारण, तो वहाँ पर उसको कम करने के लिए देते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, उसी तरह एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन जितना बढ़ेगा उतना अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए, एस्ट्रोजन जितना बढ़ेगा उतना नुकसान होगा, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं चेहरे पर महिलाओं के, मूड में बहुत ज़्यादा खराब भी हो जाती है, मूड चिड़चिड़ा जाता है, पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम को देखना पड़ता है दोस्तों इस। तो एस्ट्रोजन के हार्मोन कम करता है, पीरियड्स अगर इनरेगुलर रहते हैं वहाँ पर भी काम करता है, ठीक है, रुक जाते हैं पीरियड, लाने के लिए भी दी जाती है, मिसगेजिंग बहुत ज़्यादा होती है महिलाओं में, वहाँ पर भी ये काम करेगी दोस्तों। तो इन सभी के लिए एथिनिल एस्ट्राडियोल दी जाती है, एज ए बर्थ कंट्रोल पिल भी ये आती है, ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अब बात करें डोज की, तो 21 टेबलेट आती है, 21 दिन तक ली जाती है, पीरियड्स के अगले 5 दिन बाद, अगर आज पीरियड आया तो 5 दिन बाद ये स्टार्ट की जाती है, 21 दिन तक कंटिन्यू ली जाती है। डोज भूलिएगा मत, कंटिन्यू लीजिएगा, डोज भूल भी जाए कई बार, मान लो हो भी जाए गलती, तो अगले दिन उस डोज को मत लीजिएगा, नेक्स्ट डोज को ही लेनी है, कहने का मतलब डबल डोज नहीं लेनी है। 12 घंटे से पहले अगर याद आ जाए तो ले लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, फिक्स टाइम पे लीजिएगा। दोस्तों, थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, थकान, कमर दर्द, पेट दर्द, सर दर्द, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, लूज मोशन लगना, ये बर्थ कंट्रोल करने के लिए ले रहे हो तो बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती होगी, शायद हर महीने लेनी पड़ती होगी, तो हो सकता है वेट भी बढ़ जाए, तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, अलग अलग महीनों में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इसकी सावधानी यही है, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही यूज़ कर सकती है, प्रेगनेंसी में नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं करना प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में भी नहीं करना है, डॉक्टर की एडवाइस जरूरी है ब्रेस्ट फीडिंग में। दोस्तों, किसी महिला की अगर आदत है स्मोक करने की, एल्कोहल पीने की, वहाँ पर टेबलेट का यूज़ मत कीजिएगा, या फिर उनको छोड़ दीजिएगा, इसको यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, साथ में नहीं यूज़ किया जाता, रिएक्शन करती है। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा कुछ भी समझ में आया हो तो, और कौन सी मेडिसिन में वीडियो देना चाहते हैं बताइएगा, वीडियो आपके लिए बनाऊंगा दोस्तों, वीडियो पूरा देने तय दिल से आप लोगों को बहुत